कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी पिछले 13 सालों से पुनर्प्राप्त जन्मदिवस मनाते हैं। आज नंदी की तरफ विशेष आयोजन किया गया, इसमें उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी समेत आधा दर्जन से ज्यादा मंत्री हिस्सा लेने के लिए प्रयागराज पहुंचे हैं। इसी दौरान डिप्यूटी CM ब्रजेश पाठक ने प्रयागराज से मांस मदिरा पर पाबंदी लगाए जाने पर बात की। नंदी जी का पुनर्प्राप्त जन्म दिवस समारोह धूमधाम से मनाया गया है। सावन का महीना है, ऐसे में भगवान भोलेनाथ की कृपा पूरे प्रदेशवासियों पर रहे, नंदी जी पर रहे, आदरणीय अध्यक्ष जी भी आए हैं। सबसे मतलब मेरा आग्रह है कि सब लोग मिलजुल करके इस समय जो सावन का महीना है और कांवड़िए निकल रहे हैं, पूरी सरकार ने व्यवस्था की है कि कांवड़ियों को कहीं दिक्कत ना आए, सड़क साफ की जा रही है, फूलों से वर्षा हो रही है और ये श्रावण मास पुण्य का महीना है। और सबसे खास बात, इस बार सावन लौंद का महीना हमारे यहाँ बोला जाता है कि इस बार जो है 2 महीने सावन का पूजा होगा और भगवान भोलेनाथ की कृपा पूरे प्रदेशवासियों पर बरसे, ऐसी मैं कामना प्रभु से करता हूँ और नंदी जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां देता हूँ। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी की छापेमारी चल रही है। अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है। गौरतलब है कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने 11 जुलाई को एक आतंकी साजिश मामले में दक्षिण कश्मीर में 5 स्थानों पर तलाशी ली थी। NIA के अनुसार जिसने पिछले साल मामला दर्ज किया था, प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों ने चिपचिपे बॉम्ब, इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस और छोटे हथियारों के साथ जम्मू कश्मीर में हिंसक आतंकवादी हमले करने की योजना बनाई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस की अपनी 2 दिवसीय यात्रा के लिए विमान से रवाना हुए। PM मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रॉन के निमंत्रण पर बैस्टिल डे परेड में सम्मानित अतिथि के रूप में भाग लेने के लिए फ्रांस का दौरा कर रहे हैं। वो 2009 में मनमोहन सिंह के बाद परेड में सम्मानित अतिथि बनने वाले दूसरे भारतीय प्रधानमंत्री होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस यात्रा से भारत और फ्रांस के बीच आर्थिक सहयोग को बढ़ावा मिलने और यूरोपीय संघ और भारत के बीच व्यापक रणनीतिक संबंधों को आकार मिलने की संभावना है। फ्रांस की यात्रा के बाद प्रधानमंत्री मोदी 15 जुलाई को UAE का भी दौरा करेंगे। दिल्ली में पुराने यमुना पुल के पास का क्षेत्र, जिसे लोहा पुल के नाम से जाना जाता है, जलमग्न हो गया है क्योंकि यमुना नदी का जल स्तर खतरे की सीमा से ऊपर बढ़ गया है। 12 जुलाई को पुराने रेलवे ब्रिज ORB पर यमुना नदी का जल स्तर खतरे के निशान को पार कर गया है और 208.5 मीटर दर्ज किया गया है। आसाम सरकार द्वारा सुगम के दुर्गम योजना की मंजूरी के बाद आसाम के शिक्षा मंत्री रनोज पेगू ने कहा कि आसाम में कई कठिन इलाके हैं, इसलिए मुख्य सचिव को एक डिजाइन तैयार करने के लिए कहा गया है। ये कार्यक्रम जिसमें प्रत्येक राज्य सरकार के कर्मचारी को दुर्गम क्षेत्र के रूप में निर्दिष्ट क्षेत्रों में अपनी सेवा के दौरान 3 से 5 साल की अवधि के लिए सेवा करने की आवश्यकता होगी। रनोज पेगू ने ये कहा, हमारे पास कठिन इलाके हैं, इसलिए मुख्य सचिव को एक कार्यक्रम तैयार करने के लिए कहा गया है जिसके तहत प्रत्येक राज्य सरकार के कर्मचारी के लिए दुर्गम क्षेत्र के रूप में निर्दिष्ट क्षेत्रों में अपनी सेवा के दौरान 3 से 5 साल की अवधि के लिए सेवा करना अनिवार्य होगा। We have deficiencies in the number of length in national highway.
We have state highway categories, then we have a category of major district roads. So now we have identified all these different category of roads. So some there will be addition to the major district roads. There will be upgradation of major district roads to higher state highways, and there will be upgradation of state highways, a portion of them to national highways, and it will greatly increase our road network connectivity. So state government will expenditure the cost of the state highways? Definitely, because they have one flagship program called Ahom Mala is going on, under which we are constructing two-lane highways. Now, most of these state highways will be on preferential order, will be taken up for upgradation to Ahom Mala. So, Assam government has also planned that the state government employees have... Yes. You see, we have difficult areas, difficult terrain, like hilly areas, then sour areas, riverine areas. So the Chief Secretary has been asked to design a program whereby it will be mandatory to for every state government employees to serve in the Durgam or difficult areas for a minimum period of their service. Normally they serve for 30 to 35 years. Out of that 3 to 5 years they will have to serve in the difficult areas or Durgam. एक नाबालिग लड़की ने ग्वालियर के पड़ाव नगर पुलिस स्टेशन में पुलिस अधिकारियों को अपने चाचा के एक सहयोगी द्वारा की गई कुछ अश्लील गतिविधियों के बारे में सूचित किया जब वो उनके साथ बाहर थी। आरोपी सबलगढ़ सिंचाई विभाग में एक एसडीओ है जिसने पुलिस को सचेत किया कि उसे ब्लैकमेल किया जा रहा है और फिर अपने बचाव में कुछ सबूत पेश किए हैं। पुलिस मामले के हर पहलू पर गौर कर रही है। विजय सिंह भदौरिया डीएसपी ग्वालियर का ये कहना है कि पड़ाव थाने में एक नाबालिग लड़की ने बताया कि वो अपने मामा मामी के साथ घूमने आई थी, उसके एक परिचित ने उसके साथ अश्लील हरकत की। आरोपी मुरैना जिला के सबलगढ़ में सिंचाई विभाग में एसडीओ है। मामले में आरोपी का कहना है कि उसे ब्लैकमेल किया जा रहा था, उसने कुछ सबूत भी पेश किए हैं। सभी पहलुओं की जाँच किए जा रहे हैं। द्वारा जो एप्लीकेशन दी गई थी तो उनके तथ्यों पर भी जो हमने जानकारियाँ दी थी उस पर भी पुलिस अपने अनुसंधान की इशारा कर रखा है और किस वो भोपाल से आना अपना बता रहे हैं और उसके बाद एक होटल में रुकना बता रहे हैं। होटल में पूर्व से ये दंपत्ति का रुकना, उनके साथ में उनके रिलेटिव का रुकना, अपने आप सारी चीज़ें सारी बिंदु हम लोग अनुसंधान में इसमें कवर कर। गुजरात के कच्छ पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है और 350 ग्राम नशीली दवाई बरामद की। एक गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस अधिकारियों की एक टीम एक निजी वाहन में माधोपुर रोड पर इंतजार कर रही थी, तभी उन्होंने देखा एक कार में शराब भरी हुई थी। ड्रग तस्कर पहुंचे। पुलिस के अनुसार जब उन्हें रुकने के लिए कहा गया तो फेरी वालों ने भागने का प्रयास किया। पुलिस ने हस्तक्षेप किया और कार के टायर पर गोली चला दी। पकड़े गए सभी पेडलर पंजाब के हैं। अधिकारियों के मुताबिक गोलीबारी में कोई हताहत नहीं हुआ है। कच्छ के एसपी करणराज बाघेला का ये कहना है कि हमें ब्रेजा गाड़ी में 5 लोगों के ड्रग सप्लाई करने आने की सूचना मिली थी। हमारी टीम एक निजी वाहन में माधोपुर रोड पर इंतजार कर रही थी। हमने गाड़ी को रोकने की कोशिश की लेकिन वो मुख्य सड़क से भागने लगे। हमने कार के टायर पर गोली चलाकर उन्हें रोका। हमारी टीम ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से हमें 350 ग्राम ड्रग्स मिली हैं। ये सभी पंजाब के रहने वाले हैं। आगे की कार्रवाई की जा रही है। गोलीबारी में किसी भी तरह से कोई घायल नहीं हुआ है। एसओजी टीम और क्राइम ब्रांच की टीम को बहुत बड़ी सफलता मिली है। एक हमें हकीकत मिली थी कि माधापुर रोड पे एक पर्टिकुलर गाड़ी में 5 जितने लोग ड्रग्स सप्लाई करने आ रहे हैं। जैसे ही हमें हकीकत मिली, एसओजी की टीम और क्राइम ब्रांच की टीम माधापुर रोड पे, हमारी टीम प्राइवेट व्हीकल्स में छिप के बैठी थी और ये जब गाड़ी आई उसको हमने रोकने की कोशिश करी। गाड़ी जो मुख्य रास्ता है, मेन रोड है, उस पर भागने की कोशिश करी। गाड़ी के टायर पे फायरिंग करके हम लोगों ने गाड़ी को रोक लिया। उस गाड़ी में बैठे हुए 3 लोग और जो 2 लोग भाग गए थे, कुल मिला के 5 लोगों को एसओजी की टीम और क्राइम ब्रांच की टीम को पकड़ने में सफलता मिली। इनकी प्राइमरी इंट्रोगेशन के बाद हम लोगों को गाड़ी में से छिपाया हुआ 300 से 350 ग्राम ड्रग्स
मिलने ढूंढ निकालने में सफलता मिली है। अभी जो 5 अक्यूज पकड़े गए हैं हमारे पास जो है, वो 5 लोग एक दिल्ली पासिंग वाइट कलर की ब्रेजा गाड़ी में आए थे और उन 5 अक्यूज की पूछताछ में सारे के सारे अक्यूज है वो पंजाब से है और उन 5 के पास से हम लोगों को गाड़ी में छिपाया हुआ 300 से 350 ग्राम जो हमें ड्रग्स है वो। उत्तराखंड में बाढ़ की स्थिति का जायजा लेने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी जिला मजिस्ट्रेटों और प्रशासन के अधिकारियों के साथ एक सम्मेलन बुलाया जिसमें सभी लोगों की सहायता करने और ये सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। उन्होंने ये भी निर्देश दिया कि लोगों को भोजन और अन्य आवश्यकताएं प्राप्त हो। पुष्कर सिंह धामी का ये कहना है कि मैंने सभी जिला मजिस्ट्रेटों और प्रशासन के अधिकारियों के साथ एक बैठक की अध्यक्षता की। मैंने सभी को लोगों की मदद करने और ये सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि जो लोग बाढ़ के कारण फंसे हुए हैं उन्हें भोजन और अन्य जरूरतमंद चीजें मिले, सड़कों को जल्दी से साफ करें, लोगों को सहायता करने का काम करें, चार धाम यात्रा ठीक प्रकार से सुचारू हो, सबकी सुरक्षा का, सबकी सरलता का, सबकी सुविधा का विशेष रूप से ध्यान रखा जाए, कांवड़ यात्रा का भी। और जहाँ जहाँ जल भराव हो रहा है, सड़कें बंद हो रही हैं या जहाँ पर लोगों को खाद्य सामग्री इत्यादि की परेशानी हो रही है या जो आवागमन बिल्कुल बंद हो जा रहा है, संचार की सेवाएँ बंद हो जा रही हैं, वहाँ पर तत्काल रीस्टोर की व्यवस्था करें, सड़कें तुरंत खोलने की व्यवस्था करें। NDRF, STRF, ITBP और जितने भी हमारे डिपार्टमेंट हैं सभी आपस में एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन करके लोगों को सहायता करें। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भारतीय खाद्य निगम पर झारखंड सहित राज्य सरकारों को खाद्यान्न उपलब्ध कराने में विफल रहने का आरोप लगाया है और राज्य सरकार को खुले बाजार से ऊंची कीमत पर अनाज खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ा। उन्होंने आगे कहा कि ये देश भर के विभिन्न राज्यों में भी हो रहा है और इसे चिंता का विषय बताया। उन्होंने ये कहा कि हम FCI से अनाज लेना चाहते हैं लेकिन FCI राज्य सरकार को अनाज नहीं दे रहा है, हमें अनाज भी नहीं मिल रहा है जिसे हमें खुले बाजार से महंगे दामों पर अनाज लेकर गरीबों को देना पड़ रहा है। ऐसा हमारे साथ भी हो रहा है और हमें जानकारी मिली है कि कई अन्य राज्यों में भी ऐसा हो रहा है। और उस योजना के तहत जो FCI से हम अनाज लेना चाहते हैं लेकिन FCI राज्य सरकारों को अनाज नहीं दे रही, हमें भी नहीं मिल रहा है। अब नतीजा हो रहा है कि हमको खुले बाजार में महंगे दामों पर अनाज खरीदकर गरीबों को देना पड़ रहा है। हमारे साथ भी ये घटना घटी है और हमें जानकारी मिली है कई और राज्यों में भी FCI या राज नहीं दे रही, ये काफ़ी चिंता का विषय है।